मुल्क में कोरोना फैलाने वालों की अक्सरियत एयरपोर्ट के जरिए बैरून मुल्क से आई। इन पर कोई बात नहीं करता, सिर्फ ताफ्तान से आने वालों पर ही फोकस किया गया। सूबाई वजीर नासिर शाह का शिकवा, विफाक पर तनकीद करते हुए कहा एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग का इंतजाम नामुकम्मल था। सिंध हुकूमत ने कराची एयरपोर्ट पर अपना स्टाफ दिया और मुकम्मल स्क्रीनिंग का इंतजाम किया। वजीर आजम इमरान खान इकदाम करते तो ज्यादा बेहतर होता, चारों सूबे एक साथ फैसला करते तो सूरत हाल यहाँ तक ना पहुँचती। सीएम साहब ने 27 से ही स्टेप लेना शुरू किए, फेडरल गवर्नमेंट से भी राबता करने की कोशिश की, वहाँ से जफर साहब ज़रूर हमसे राबते में रहते थे, लेकिन जो असर प्राइम मिनिस्टर साहब का होता अगर वो कोई स्टेप लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। चारों सूबों में, गिलगित में, कश्मीर में एक साथ अगर इन चीज़ों पर अमल होता तो बेहतरी आती। लेकिन आपने देखा कि एयरपोर्ट खुले रहे और लाखों की तादाद में बाहर से लोग आए, यहाँ पर क्या किया गया, फोकस सिर्फ किया गया जो तफ्तान के बॉर्डर से आने वालों को, या आजकल सबका जोर चल रहा है हमारे जो दीनी भाई हैं तबलीगी जमात वाले उनके ऊपर, और ये जो लाखों लोग अमेरिका से आए, यूरोपियन कंट्रीज से आए, दीगर जगहों से आए जिन्होंने इस वायरस को ज्यादा फैलाया यहाँ पे, उनकी कोई बात नहीं करता। उसकी वजह ये है कि एयरपोर्ट्स पर प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं थी, प्रॉपर इंतजाम नहीं किए गए, सिर्फ अगर बाद में कोई स्टेप्स लिए गए तो वो भी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से।